IPL 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 29 मार्च से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। दुनिया भर के खिलाड़ी इस लीग में खेलने के लिए पहुंचते हैं। IPL एक ऐसी लीग रही है जिसने युवाओं को मंच दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर भी कुछ दिग्गजों ने अपना जलवा बिखेरा है। इस लीग में सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉन और ब्रायन लारा जैसे सुरमाओं ने अपना कमाल दिखाया है। यह लीग हर साल कुछ नए खिलाड़ियों को चमकने का मौका देती है। वहीं कई दिग्गज खिलाड़ी हर साल इस लीग से संन्यास लेकर क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। कुछ अपने प्रदर्शन की वजह से अगले साल खेलने का मौका गवा देते हैं। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनके लिए 2020 का IPL आखिरी हो सकता है। सौरभ तिवारी की बात करेंगे हम सबसे पहले। सौरभ तिवारी ने 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए 2010 में अंडर 23 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। 2008 में भारतीय अंडर 19 टीम की विश्व जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सौरभ तिवारी शुरुआत में क्रिकेट के दुनिया में छाए रहे, लेकिन लंबे समय तक उनके फॉर्म ने साथ नहीं दिया। तिवारी ने 2017 से अभी तक मात्र एक ही IPL मैच खेला है। इस साल मुंबई ने एक बार फिर से उन्हें खरीदा है। मुंबई पहले ही सितारों से सजी हुई है, ऐसे में सौरभ के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफी मुश्किल होगा। इस साल के बाद हो सकता है उन्हें IPL में खरीदार ना मिले। 17 साल और 153 दिन की उम्र और साल 2002 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हैं। 34 वर्षीय पटेल अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो कई मौकों पर कमेंट्री भी करते हुए नजर आ चुके हैं। ऐसे में पार्थिव पटेल का यह आखिरी IPL हो सकता है। आगे हम बात करेंगे अवंती रायडू की। अवंती रायडू के लिए पिछला साल क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए सीजन में 602 रन बनाने वाले अवंती का चयन विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस भी लिया। सुपर किंग्स द्वारा इस साल रिटर्न किए जाने के बाद रायडू एक बार फिर से तैयार है। 35 वर्षीय अवंती रायडू अगर इस साल असफल रहे तो हो सकता है कि ये उनका आखिरी IPL हो। हरभजन सिंह ने अपने IPL करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस की ओर से की थी। 2008 से 2017 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेले, कप्तानी भी की और 3 IPL ट्रॉफी जीत का भी हिस्सा रहे। 2018 से हरभजन CSK के खेमे में आए और अब माही की कप्तानी में खेल रहे हैं। 40 वर्षीय हरभजन इस सीजन के बाद अपने करियर पर विराम लगा सकते हैं। वो लगातार कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे शेन वॉटसन की। शेन वॉटसन IPL का एक ऐसा नाम है जिसे खेलते पूरी दुनिया देखना पसंद करती है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। पिछले 2 सत्र में 32 मैचों से 953 रन बनाकर वॉटसन ने IPL में धूम मचाई है। 39 वर्षीय इस खिलाड़ी को फिटनेस की समस्याओं से लगातार गुजरना पड़ा है। ऐसे में इस साल वॉटसन आखिरी बार इस लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।